गाजियाबाद के इलाके में एक ब्लाइंड मर्डर रिपोर्ट हुआ। पता ये लगा कि दोस्त की शादी थी और उस दोस्त की शादी के अंदर ही उसका जो दोस्त था अतीक, जिसकी शादी थी, अपनी जब रात को बारात से वो वापस आते हैं तो उस टाइम बैठक के अंदर वो दोस्त वहां पर बैठे हुए थे और उस टाइम अतीक से वो फायर होता है और उसकी वजह से उसके उस दोस्त की डेथ हो जाती है। सर गलती नाल फायर लग आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। नाजरीन, लाहौर का इलाका मनावा, जहाँ पर चंद लम्हों के अंदर पूरी जो सूरत हाल है वो तब्दील हुई, और वो ये था कि एक शादी का घर था जहाँ पर दुल्हे ने ही फायरिंग करके अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। क्या नाम है आपका? सर अतीक नाम है मेरा। अतीक, क्या वाकया क्या हुआ था? आपकी तो शादी थी, बारात थी, तो फिर क्या हुआ कि आपने बंदे को मार दिया? दोस्त बैठे से बैठक दे भाई सर। ठीक है, मैं घर वीडियो अपनी वाइफ के नाल बनवाने सा ते उतो हारिस दा फोन आंदा कहंदा किथे यार। हारिस कौन था? ओ दोस्त है मेरा सर। ओने गड्डी रेंट ते लई सी, ओ गड्डी वापस देन गया ही सर। तो वापस दे गया सर, हुण उहदा बैग वेट कर रहे सर। ते मैं नहीं ते घर चला हुंदा, वेट कर रहे हुण सर। पता नहीं ओ कित्थों पिस्तौल लै की कीता, इंज बैठे सा, गलती नाल फायर चलिया सर। पता ही नहीं सी विच गोली है या नहीं है सर। इंज ओ सुता हैगा सी, गरीब आदमी आ मैं सर, इंज सुता ही सर। तो सर चैम्बर मारा उस टाइम गोली चार की सर, पता ही नहीं लगा कि हुआ। फिर क्या किया, लाश को क्या किया? हारिस से बबलू जाते ने हॉस्पिटल लै के, तो फिर उन्होंने उतने सुट आते, फोत हो जाता है नहर जहर। कितने सुट दे कितने नहीं सर मैनू नहीं पता, मैं घर चले गया उस अगले दिन मैं पता लगता तो उन्होंने सुट आए। एक ब्लाइंड मर्डर का हमारे पास 9 जुलाई को गाजियाबाद के इलाके में एक ब्लाइंड मर्डर रिपोर्ट हुआ। सुबह 8 बजे के करीब ये हमें 10 जुलाई को ये रिपोर्ट मिली कि वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस जो है वो सबसे पहले उसमें इशू ये था कि हमें ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो लाश किसकी है। उसकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम चल रहा था। 10 दिन जो हैं वो इस प्रोसेस में हमारे गुजरे। उसके बाद 20 जुलाई को हमारे पास मनामा के अंदर एक 365 की FIR जो लॉज होती है, जिसमें ये पता लगता है कि एक शख्स जो है जो कि पाक पतन का रिहायशी है और वो पिछले 10 दिन से जो है वो अपने दोस्त अतीक की शादी में गया था और वहाँ से वो पिछले 10 दिन से उसका कोई पता नहीं है। इस केस को जब फर्दर प्रोब किया गया और इस इंसिडेंट को जब ट्रेस करने की कोशिश की गई तो उसमें अंदाज़ा ये हुआ, जिसमें DSP बागबानपुरा और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मनावा ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर वर्क किया, तो पता ये लगा कि दोस्त की शादी थी और उस दोस्त की शादी के अंदर ही उसका जो दोस्त था अतीक, जिसकी शादी थी, उससे अपनी जब रात को बारात से वो वापस आते हैं तो उस टाइम बैठक के अंदर वो दोस्त वहाँ पर बैठे हुए थे और उस टाइम अतीक से वो फायर होता है और उसकी वजह से उसके उस दोस्त की डेथ हो जाती है। उसके बाद बजाय इसके कि उस चीज़ का आगे बताया जाता, वो उसके बाद उस लाश को वो डिस्पोज ऑफ करते हैं, किसी को पता नहीं लगने देते और उस लाश को गाजियाबाद के इलाके में लाकर यहाँ पर किनाल के करीब फेंक दिया जाता है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी 2 मुलजमान अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो पुलिस कोशिश कर रही है। किसी और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।